और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ प्रिकॉशंस ऑफ ऑल थ्री मेथड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द प्रिकॉशंस ऑफ द वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है, GDPMP इज इक्वल्स टू GD वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। और आज हम उसी मेथड की कुछ प्रिकॉशंस लेकर आए हैं। और पहली प्रिकॉशन है हमारी द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जैसा कि फॉर्मूले में अभी आपको मैंने बताया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, तो ये तो प्रिकॉशन याद ही नहीं करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको फॉर्मूले से ही पता है कि इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी हम वैल्यू एडेड मेथड में जोड़ते नहीं है। और यहां पर मैंने आपको हाईलाइट कर रखा है, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। सेकेंड जो प्रिकॉशन है वो है हमारी क्या, परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इन द सेंस कि यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति अपनी बाइक किसी और को सेल करता है तो उसके से जो इनकम होती है उसको हम वैल्यू एडेड मेथड में एड नहीं करते हैं। थर्ड हमारी प्रिकॉशन क्या है, देखिएगा, सेल्फ कंज्यूम्ड गुड्स शुड बी इंक्लूडेड। कहा जाता है कि जो सेल्फ कंज्यूम्ड गुड्स होते हैं, यानी कि जो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड में एड करते हैं। फोर्थ हमारी प्रिकॉशन क्या है, ओन अकाउंट प्रोडक्शन इंक्लूडेड। ओन अकाउंट प्रोडक्शन इन द सेंस कि यदि हम अपने लैंड को प्रोडक्शन यूनिट में यूज कर रहे हैं, यानी अपने फील्ड को यदि हम किसी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, उसको हम वैल्यू एडेड मेथड में इंक्लूड करते हैं। फिफ्थ हमारी प्रिकॉशन क्या है, इनपुटेड रेंट ऑन द ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस इज इंक्लूडेड। अब फिर वही बात आ गई, यानी ओनर अपने हाउस को किसी भी चीज को प्रोडक्शन के लिए या किसी भी तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए यूज करता है, उसको हम क्या करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है कंजम्पशन कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। कमीशन, अभी ऊपर में हमने बताया था कि परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, लेकिन बच्चों उससे जो कमीशन मिलता है उसको हम वैल्यू एडेड मेथड में एड करते हैं। ठीक है, लास्ट हमारी जो प्रिकॉशन है वो क्या है, वैल्यू ऑफ सेल्फ कंज्यूम्ड सर्विसेज शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। वैल्यू ऑफ सेल्फ कंज्यूम सर्विसेज, यानी कि जब भी हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम नेशनल इनकम को एड करने में एड नहीं करते हैं। ये सारी प्रिकॉशंस शॉर्ट में आपके लिए हैं, आप चाहे मैं आपके सामने से हट रही हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत आसान है इसे लर्न करना और 3 मार्क्स में ये आपके लिए क्वेश्चन आता है। जस्ट यू ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट प्रिकॉशन है इनकम मेथड। यहाँ पर आपके लिए ओनली 5 प्रिकॉशन है जो 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए एनएफ है और बहुत इजी वे में है जो आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहली प्रिकॉशन के लिए। फर्स्ट प्रिकॉशन है इनकम ऑफ इलीगल एक्टिविटीज लाइक स्मगलिंग थेफ्ट गैम्बलिंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड। कहा जाता है जो इनकम चोरी चकारी से कमाई जाया गया जो पैसा होता है उसको हम इनकम मेथड में एड नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड प्रिकॉशन है हमारे ट्रांसफर अर्निंग इन द सेंस कि इसके बदले में कुछ भी गवर्नमेंट को नहीं मिलता है, जैसे कि हमारी ओल्ड एज पेंशन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गए, स्कॉलरशिप है, इस और भी दूसरी जो ट्रांसफर अर्निंग होती है उसको भी हम इनकम मेथड में एड नहीं करते हैं। और विंडफॉल गेन्स यानी जो लॉटरी लगने से जो इनकम होती है उसको भी हम इनकम मेथड में ऐड नहीं करते हैं। फोर्थ हमारी प्रिकॉशन क्या है, ब्रोकरेज ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ बॉन्ड्स इज टू बी इंक्लूडेड। यानी कि जो भी ब्रोकर जो होता है उस जो भी बॉन्ड्स सेल करता है या परचेज करता है उसको हम नेशनल इनकम में क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। और लास्ट हमारी जो प्रिकॉशन है उसको देखिएगा, कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर टू बी इंक्लूडेड। कहा जा रहा है जो भी सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करने पे और परचेज करने पे जो इनकम होती है उसको हम क्या करेंगे,
इनकम मेथड में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नेक्स्ट प्रिकॉशन है एक्सपेंडिचर मेथड। यहां भी मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 प्रिकॉशंस लेकर आई हूं। पहली प्रिकॉशन है हमारी एक्सपेंडिचर मेथड की, एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। यानी सरकार द्वारा जो भी ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं उनको हम एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड नहीं करते हैं, इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, नेक्स्ट है ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकिंग इनटू अकाउंट टू अवॉइड द एरर ऑफ डबल काउंटिंग। यानी जो डबल काउंटिंग वाली जो प्रॉब्लम होती है, जो एरर होती है, यानी कि जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइसेस को ऐड करने से जो जेनरेट होती है, इसीलिए कहा जाता है डबल काउंटिंग की एरर को रिमूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम फाइनल एक्सपेंडिचर को ही ऐड करें। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स को कभी भी हम ऐड नहीं करेंगे, आप यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिए, इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। सरकार जो ट्रांसफर पेमेंट्स करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है, ठीक है, और ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड कराती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोवाइड कराती है, ऐसे खर्चों को हम एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड बच्चों नहीं करते हैं। बहुत आसान है प्रिकॉशंस को लर्न करना। लास्ट हमारी प्रिकॉशन एक्सपेंडिचर मेथड की, एक्सपेंडिचर ऑन द शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। यानी कि गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है किस चीज के लिए, शेयर्स और बॉन्ड्स के लिए, उसको हम एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड नहीं करते हैं। तो बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आई है, इससे आपको प्रिकॉशंस क्लियर हो गई हैं, तो प्लीज शिखा एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और लास्ट में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस वीडियो की, इस चैनल की जितनी भी नई वीडियोस हैं आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट।